नवरात्रे हैं, व्रत है, अलग अलग तरीके का खाना खाने का दिल करता है, दिक्कत क्या है? इतनी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज है मेरी मेरे चैनल पर, जिसके अंदर आप चूज़ कर सकते हैं, मतलब हर दिन एक नई रेसिपी। और जानते हैं आज की रेसिपी, एक ऐसी रेसिपी जो वर्ल्ड ओवर बहुत फेमस है, मसाला डोसा व्रत वाला, साथ में होगी कोकोनट चटनी व्रत वाली। शुरू करते हैं। देखिए आज की जो रेसिपी है उसके तीन हिस्से हैं, एक है डोसे का बैटर, दूसरा है डोसे की फिलिंग और तीसरा है डोसे के साथ जाने वाली चटनी। शुरुआत होगी डोसे के बैटर से, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डोसे के बैटर के लिए हम लेंगे साबूदाना। गौर से देखिए, ये साबूदाना है जिसको मैंने 4 से 5 घंटे भिगोया था पानी के अंदर। साबूदाना बिल्कुल मैश एंड सॉफ्ट। सो थोड़ा सा ये साबूदाना, इसमें मैं डाल रहा हूँ सामक के चावल। अब ये जो सामक का चावल है ये भी भीगा हुआ था करीबन आधे घंटे के लिए। इसमें जाएगा दही, सेंधा नमक और ज़रा सी चीनी, इसमें थोड़ा सा पानी, ज़रा सा, और इसे अब हम फाइन पेस्ट कर लेंगे। क्लियरली इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा। बढ़िया, बारीक हो गया है, गाढ़ा है लेकिन जर से गिरा जा रहा है। डोसे का बैटर तैयार। अब बनाते हैं इसकी फिलिंग। मसाला डोसा की जो फिलिंग है सिंपल है, आलू की है और उसमें वही मसाले जाएंगे जो व्रत में हम कॉमनली खाते हैं। इसमें हम डालेंगे पोटैटो, बॉइल्ड एंड मैश्ड है, साथ ही इसके जाएगा सेंधा नमक एंड थोड़ा सा पेपर पाउडर। क्विक फ्लेम पे इसे हमें टॉस करना है ताकि जो पोटैटोज हैं उसके अंदर ये पूरे मसाले का फ्लेवर आ जाए। ध्यान देने वाली बात है कि कई लोग अदरक खाते हैं, कई लोग अवॉइड करते हैं। इफ़ यू वांट टू अवॉइड जिंजर, दैट्स टोटली फाइन। ये तैयार है, लेट्स टेक इट आउट। इसे कम्प्लीटली ठंडा कर देंगे, विल टेक सम टाइम। देखिए डोसे का बैटर तैयार है, डोसे की फिलिंग तैयार है, अब उसकी चटनी। ये है घिसा हुआ नारियल, इसे इस जार में डायरेक्टली हम डालेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा कड़ी पत्ता, ज़रा सा सूखा हुआ अनारदाना का पाउडर, ये ऑप्शनल है। इसमें जाएगा पुदीना, हरा धनिया, सेंधा नमक, हरी मिर्च, चॉप जिंजर एंड अ डैश ऑफ वाटर। चटनी तैयार। ये देखिए बढ़िया चटनी नारियल की, मुँह में पानी आ रहा है। चटनी तैयार, फिलिंग तैयार, डोसे का बैटर तैयार। अब सिर्फ डोसे को हमें पकाना है। डोसा बनाने के लिए पैन होना चाहिए गर्म, इस तरीके से हल्के हाथ से फैलाना है। अगर आप चाहें तो कटोरी की मदद से भी फैला सकते हैं, और अगर फैलाने में दिक्कत आ रही है डोंट वरी, डाल के इसको हल्का सा स्वर्ल कर दीजिए, थोड़ा थिक भी बनेगा, नो प्रॉब्लम। लेट इट कुक, थोड़ा सा ऑयल। मेक श्योर कि आप पैन को टर्न करते रहें ताकि चारों तरफ से अच्छे से ये पके। इस पे हम डालेंगे आलू का ये मिक्सचर इन दी सेंटर। आहा, क्या बढ़िया डोसा आया है। इसे अब हम यू निकाल कर इस तरीके से सर्व करते हैं। ब्यूटिफुल लुकिंग डोसा, कोई कह सकता है ये व्रत वाला है। वाह, मसाला डोसा और नारियल की चटनी, डन।